आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन जिनका पूजन होता है कुष्मांडा देवी के बारे में। माँ कुष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये देवी अष्टभुजा कहलाती हैं क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में एक विशेष वस्तु या हथियार होता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुंडे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैवित्यमान है। सच्चे और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की आराधना करने वाले भक्तों को देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। तो आइए अब सुनते हैं देवी के इस सुंदर रूप से जुड़ी एक पौराणिक कथा, माँ कुष्मांडा की कहानी। ऐसे समय में शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था, जीवन का कोई निशान नहीं था और हर तरफ अंधकार था। उस समय देवी कुष्मांडा सैकड़ों सूर्यों का तेज लिए प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि जागने लगी और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कुष्मांडा देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। श्री कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के दुख और कष्ट दूर होते हैं और व्याधियों से मुक्त होकर भक्त सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये थी नव दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा देवी की कहानी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे व्रत की शुभकामनाएं।